हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज फाइनली मेरा झूला झूलने का सपना सच होने जा रहा है। मतलब यार, पूरा एक डेढ़ साल बाद मैं झूला झूलने का दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पहली बार झूला झूलने गए थे तब जन्माष्टमी में पुलिस वालों ने झूले बंद करवा दिए थे। आज भी मैं झूला झूलने गया था, लेकिन आज भी कोई झूला नहीं चल रहा। उनको आज भी परमिशन नहीं मिली। ना जाइंट व्हील चल रहा है, ना ब्रेक डांस चल रहा है, ना बोट चल रही है। और आज भी कल जितनी भीड़ थी, तो सोचो यार, झूलों वालों का कितना नुकसान हुआ होगा। मतलब मेरा दिल टूट गया। मैंने क्या क्या सोचा था कि आज मैं झूला झूलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा जन्माष्टमी पे, लेकिन ये साल भी ऐसी निकल गई, हम झूला नहीं झूल पाए। फिर हम दूसरी बार मेले में गए थे और वहाँ पे भी झूले हट चुके थे। तो गाइज, अपनी किस्मत यहाँ भी खराब है, यहाँ पे भी झूले हट चुके हैं, बस एक ड्रैगन वाला झूला बचा है। फिर तीसरी बार जब मैंने सोच लिया था कि अब हाँ झूला झूलने जा रहे हैं, तब हमारी हीरो एक्सट्रीम आ गई थी, तो हम झूला झूले फिर नहीं गए। बस सोचा था झूले वूले झूलाता हूँ। मतलब मेरे आपने लास्ट ब्लॉग देखे होंगे, मैं जन्माष्टमी वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें कभी झूला नहीं झूल पाया। फिर उसके बाद एक बार हम मेले में गए थे, वहाँ पे भी सारे झूले हट चुके थे। और आज मैंने सोचा कि वीक ऑफ है, झूला झूलाऊँगा और मौसम देखो, लेकिन शाम को पता चलेगा कैसा क्या सीन रहता है और फिर झूलने चलेंगे। लेकिन आज हम फाइनली झूला झूलने जाएंगे और देखते हैं क्या होता है मेरे साथ, और किस्मत इस बार साथ देती है कि नहीं देती ये पता चलेगा। लेकिन बहुत मज़े आने वाले हैं, आप लोग भी जुड़े रहो। और जिस किसी ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आगे। गाइस, ये रही हमारी हीरो एक्सट्रीम, और अब चलते हैं हमारी एक राइड से दूसरी राइड पर और मिलते हैं आगे। गाइस, फाइनली अभी हम डिज्नीलैंड मेले में पहुंच चुके हैं, और उधर हमने अपनी बाइक पार्क करी है, और वहां से हमें 10 रुपये की टिकट लेनी है एंट्री की, फिर अंदर जाके हम झूला झूल सकते हैं, घूम सकते हैं मेले में। और इसी जगह हम लास्ट टाइम आए थे, यहां पे ट्रेड फेयर लगा हुआ था, और ट्रेड फेयर की जगह अब डिज्नीलैंड लग चुका है। और अभी चलते हैं अंदर और मिलते हैं आगे। अभी हम खड़े हैं जाइंट व्हील पर, और अभी जाइंट व्हील आधे घंटे में स्टार्ट होगा। और यहाँ पे अभी हम सोच रहे हैं कि बोट झूलें पहले, या फिर जाएं इस एरोप्लेन वाले झूले में, या आगे ब्रेक डांस वगैरह वो भी है। और इधर साइड सारा अपना खाने पीने का है, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, तो लास्ट टाइम भी खाने पीने का था, बस इस जगह से वो इस जगह था। सो अभी चलते हैं और सोचते हैं पहले बोट वाला झूला झूलते हैं और फिर मिलते हैं आगे। सो गाइज, अभी हम बोट वाला झूला झूलने आए हैं, और देखो यार कितना ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे 50 रुपये टिकट है अपनी, 50 रुपये की टिकट लेंगे और फिर चलेंगे झूला झूलने। सो गाइज, अभी हम बोट वाले झूले के एकदम एक एंड पे हैं, और सामने अपना दूसरा एंड, और अभी बहुत मज़ा आने वाला है झूला झूलने में। और यहाँ पे बस अभी बैठ जाते हैं और चालू होने का इंतज़ार करते हैं। भाई कितना ऊपर गए। ओ भाई यार, वो तो गाइस, उधर बोट वाला झूला झूल के अब हम आ चुके हैं जाइंट व्हील पर, और जाइंट व्हील बहुत तेज झूला चल रहा है अभी, और देखते हैं इसमें कितना मजा आएगा। लेकिन यार बोट वाले में तो सच में बहुत मजा आ गया, बहुत मजे आ गए। अब जाइंट व्हील बरसों बाद झूलूंगा और बहुत मजे आने वाले हैं।
तो गाइज हमारा भी जाइंट व्हील स्टार्ट हो चुका है और देखो कितना कैसा लग रहा है मेला, और पूरे शहर के ऊपर है अभी हम सबसे ऊपर। गाइज अभी झूला बंद हो चुका है और अभी हम टॉप पर हैं और ये देखो पूरा मेले का व्यू कैसा पूरा अपना मेला चल रहा है। और इधर से और दिखाता हूँ, इधर ये देखो पूरा खाने पीने का सब कुछ है और ये अपनी पूरी सिटी देखो यहाँ से पीछे तक का। और अब धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं और अब चलेंगे हम सीधे ब्रेक डांस पर, आपको दिख रहा है यहाँ से पूरा ब्रेक डांस, अब ब्रेक डांस पर चलेंगे और मिलते हैं आगे। सो गाइज अभी हम ब्रेक डांस झूलने हैं लेकिन अब हम झूलेंगे ये एरोप्लेन वाला झूला और अभी चलते हैं और मिलते हैं आगे। तो गाइज हम एरोप्लेन वाला झूला तो झूल लिया और सच बताऊँ तो मुझे इतना मज़ा इसमें नहीं आया जितना जाइंट व्हील में मज़ा आया था, बोट में आया था, ब्रेक डांस में जितना मज़ा आया था उतना इसमें मज़ा नहीं आया। फिर हम गए ये गोल वाली वीडियो बनवाने, ये प्रियांशु के संग मैं बहुत कम फ़ोटोज़ खिंचवाता हूँ और बहुत कम फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ, लोगों को पता नहीं है कि मेरा ये छोटा भाई है ये, लेकिन मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा एक याद के लिए एक वीडियो बनवा लेते हैं और मैंने और प्रियांशु ने एक वीडियो बनवा ली है और मैंने इसको इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया और इंस्टाग्राम पर इस पर 1000 व्यूज़ हो चुके हैं। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और फिर हम गए मोमोज़ खाने क्योंकि हमें बहुत भूख लग चुकी थी और थोड़े बहुत दोस्तों से भी मिल लिए। सो गाइस कल रात को आते आते बहुत हो गया था लेट और क्या बताऊँ इतने मज़े आए झूले झूलने में, सारे झूले झूले और वो भी कितने सालों बाद, ना जाने में कितने सालों बाद झूला हूँ झूले। और सबसे ज़्यादा जिस झूले ने मेरी फाड़ी है माँ कसम, जिस झूले से मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी इतनी हालत ऐसी हो जाएगी, वो था भाई ब्रेक डांस। और माँ कसम उसने क्या बताऊँ, मतलब खाना खाने का मन नहीं हो रहा था उसको झूलने के बाद, एकदम मन पूरा ऊपर तक आ गया था, इतना घुमाया उसने, इतना घुमाया क्या बताऊँ। और आई होप सो आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैं हर संडे सुबह 9 बजे ब्लॉग डालता हूँ। सो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।